हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी का स्वागत है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के इस वीडियो में हम फ्लावर और उसके सभी पार्ट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हेडिंग इज फ्लावर। देखिए, फ्लावर जो होता है इट इज रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म। देखिए, प्लांट ने फ्लावर का फॉर्मेशन किया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, तो फ्लावर जो होता है प्लांट का एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। द पर्पज ऑफ द फ्लावर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिकॉज फ्लावर के अंदर मेल एंड फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स मिलते हैं, इसलिए फ्लावर जो होता है वो प्लांट का एक सेक्सुअल ऑर्गन है। ठीक है, फ्लावर अटैच इज विद प्लांट विद द हेल्प ऑफ स्टॉक और पैडी सेल। वो स्ट्रक्चर जिसकी हेल्प से फ्लावर प्लांट से अटैच होता है उसको पैडी सेल कहते हैं। द एंड ऑफ पैडी सेल इज स्वोलन नोन एज थैलेमस और रिसेप्टेकल। देखिए, पैडी सेल का जो अपर एंड है वो फूल जाता है और इस फूले हुए पार्ट को थैलेमस कहते हैं या इसको रिसेप्टेकल कहते हैं। ठीक है, ऑन थैलेमस 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ल्स अराइज। फ्लावर के अंदर 4 वर्ल मिलते हैं, 4 चक्र मिलते हैं और ये सभी 4 वर्ल या चक्र थैलेमस से अराइज होते हैं। दीज वर्ल्स आर अरेंज्ड सक्सेसिवली ऑन थैलेमस। ये जो वर्ल है थैलेमस के ऊपर सक्सेसिवली या एक के बाद एक अल्टरनेट फॉर्मेट में अरेंज होते हैं। नेक्स्ट देखिए, वर्ल्स ऑन थैलेमस। देखिए, थैलेमस पे 2 वर्ल पाए जाते हैं। फर्स्ट इज एसेसरी वर्ल एंड सेकंड इज एसेंशियल वर्ल। देखिए, एसेसरी वर्ल जो होता है इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता है। इट मीन्स इन एसेसरी वर्ल्ड के अंदर गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है। इसके 2 पार्ट होते हैं, कैलिक्स एंड कोरोला। फिर देखिए एसेंशियल वर्ल्ड, दे हैव डायरेक्ट रोल इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर डायरेक्ट रोल होता है। इट मीन्स इनके अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है और ये 2 टाइप्स के होते हैं, एंड्रोएशियम जो मेल ऑर्गन होता है प्लांट के फ्लावर का और गाइनोसियम जो फीमेल ऑर्गन होता है। ठीक है, एक नोट देखिए, इन प्लांट लिली द कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट, इट इज टर्म्ड एज पेरियंथ। देखिए, कैलिक्स जो होते हैं सबसे आउटसाइड होते हैं और कैलिक्स जो होते हैं वो बेसिकली ग्रीन कलर में होते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑलराइट, बट कोरोला जो होते हैं वो कैलिक्स के अंदर मिलते हैं और ये रेड ऑरेंज ये बेसिकली कलरफुल होते हैं। तो दोनों जो हैं अगर कलर के अंदर शेप साइज के अंदर अलग अलग हैं तो वहां पर हम कैलिक्स एंड कोरोला वर्ड यूज करेंगे। लेकिन ऐसा हो जाए कि कैलिक्स कोरोला कलर में शेप साइज डिजाइन में कंप्लीटली सिमिलर हो, उस केस में हम पेरियंथ वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, और पेरियंथ जो होता है वो टेपल से बनता है। इट मीन्स द सिंगल यूनिट ऑफ पेरियंथ इज कॉल्ड टेपल। देखिए, अगर बहुत सारे सेपल हैं और वो मिलकर के कैलिक्स उसको हम कहेंगे, तो कैलिक्स का जो सिंगल यूनिट होता है उसको हम सेपल कहते हैं और कोरोला का जो सिंगल यूनिट होता है उसको हम पेटल कहते हैं। ऑलराइट, और अगर कैलिक्स कोरोला बिल्कुल सेम है अपने स्ट्रक्चर शेप साइज डिजाइन कलर के अंदर तो वहां हम पेरियंथ यूज करेंगे और पेरियंथ जो होते हैं बेसिकली इसका सिंगल यूनिट को हम टेपल कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हेन पेटल एंड सेपल्स आर नॉट डिफ्रेंशिएटेड These are termed as perianth. Next देखिए, perianth is not divided into sepal and petal, is known as tepal. Next देखिए, types of flower. On the basis of sexuality, flowers are of 2 types. देखिए, sexuality के बेस पर flowers को 2 type में divide कर सकते हैं। A is the bisexual flower. ऐसे flower जिनके अंदर male यानी androecium और फीमेल मीन्स गाइनोसियम दोनों पार्ट प्रेजेंट हो, उसको बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं, लाइक मैंगो। और ऐसे फ्लावर जिनके अंदर सिर्फ मेल या फीमेल एक ही पार्ट प्रेजेंट हो उनको हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं, जैसे पपाया। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री फ्लावर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। देखिए, सिमेट्री के बेस पर फ्लावर्स को 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज सिमेट्रिकल फ्लावर, सेकेंड इज एसिमेट्रिकल और इरेगुलर फ्लावर्स। देखिए, सिमेट्रिकल फ्लावर्स को हम 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, यानी ऐसे फ्लावर्स जिनको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं उनको सिमेट्रिकल फ्लावर कहते हैं। अब देखिए, सिमेट्रिकल फ्लावर भी 2 टाइप के होते हैं। First is the actinomorphic flower, second is the zygomorphic flower. आप एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर का सिंबल ध्यान रखिएगा, सर्कल के अंदर आप प्लस साइन बनाएंगे, ये इसका सिंबल होता है जिसको हम एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कहते हैं. इस तरह की सिमेट्री को हम रेडियल सिमेट्री भी कहते हैं. इट मीन्स फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल रेडियल हाव्स इन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर. ऐसा प्लेन या ऐसी लाइन जो सेंटर से निकल रही है और फ्लावर को टू इक्वल हाफ में कितनी भी बार डिवाइड करेगा. देखिए, अगर इस तरह का फ्लावर है और इस फ्लावर को हम कोई भी लाइन जो सेंटर से निकल रही है वो इस फ्लावर को टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकती है. इसको हम एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कहते हैं. एग्जाम्पल देखिए, मस्टर्ड, दतूरा एंड चिली. नेक्स्ट देखिए नंबर बी, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर. इनको हम बाइलेटरल सिमेट्री भी कहते हैं, ठीक है. और इस तरह के फ्लावर के अंदर दिस फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इंटू टू सिमिलर हाव्स ओनली वन वर्टिकल प्लेन. एक ही लाइन से या एक ही प्लेन से प्लांट के फ्लावर को टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं. जैसे पी, गुलमोहर, बीन, केसिया, ये सभी जो होते हैं जाइगोमॉर्फिक फ्लावर के एग्जाम्पल्स हैं. नेक्स्ट देखिए, एसिमेट्रिक या इसको इरेगुलर फ्लावर भी कहते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इरेगुलर फ्लावर. द फ्लावर कैन नॉट बी डिवाइडेड इंटू टू इक्वल हाव्स बाय एनी वर्टिकल प्लेन. किसी भी लाइन से, किसी भी प्लेन से फ्लावर को टू इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते हैं. एग्जाम्पल देखिए, कैना. नेक्स्ट देखिए नंबर थ्री, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस. फ्लावर के पार्ट्स के बेस पर इनको हम थ्री टाइप में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट देखिए, ट्राइमेरस फ्लावर. फ्लोरल अपेंडेजेस आर इन मल्टीपल ऑफ थ्री. ऐसे फ्लावर जिनके अंदर सेपल, पेटल सब कुछ जो है वो थ्री के डिजिट में ही हो, उनको हम ट्राइमेरस कहते हैं. अगर सेपल, पेटल और सभी पार्ट 4 के डिजिट में हो तो टेट्रामेरस बोलेंगे, और अगर 5 के डिजिट में होंगे तो ऐसे फ्लावर्स को हम पेंटामेरस फ्लावर कहते हैं. फिर देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ब्रैक्ट. फ्लावर्स आर ऑफ टू टाइप्स. देखिए, ब्रैक्ट जो होता है पेडी सेल पर मिलने वाले एक ऐसा रिड्यूस्ड लीफ होता है, तो अगर वो प्रेजेंट है बोलेंगे ब्रैक्टिएट. नेक्स्ट देखिए, रिड्यूस्ड लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ पैडी सेल इज कॉल्ड ब्रैक्ट. पैडी सेल के बेस पर अगर रिड्यूस्ड लीफ प्रेजेंट है इसको हम ब्रैक्ट कहते हैं, ठीक है. दीज टाइप्स ऑफ फ्लावर्स आर कॉल्ड ब्रैक्टिएट. ऐसे फ्लावर को हम ब्रैक्टिएट कहते हैं, और जिन पर इस तरह के ब्रैक्ट नहीं मिलते हैं उनको हम ई ब्रैक्टिएट कहते हैं. इनका आप सिंबल याद रखिएगा, ब्रैक्टिएट फ्लावर के फ्लावर फॉर्मूले में आपको बी आर लिखा हुआ मिलेगा, और ऐसे फ्लावर फॉर्मूले जिनमें ब्रैक्ट नहीं होता है वहां पर ई बी आर लिखा हुआ मिलेगा. नेक्स्ट देखिए, बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोसियम इन रिस्पेक्ट ऑफ ओवरी ऑन थैलेमस, फ्लावर्स आर ऑफ थ्री टाइप्स. देखिए, ओवरी के रेफरेंस में कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोसियम की पोजिशन के अकॉर्डिंग फ्लावर्स को थ्री पार्ट में डिवाइड किया है. फर्स्ट देखिए, हाइपोगाइनस फ्लावर, फिर पेरिगाइनस एंड देन एपिगाइनस. देखिए, हाइपोगाइनस का मतलब क्या होता है. हाइपो मीन्स नीचे, गाइनस मीन्स फीमेल का पार्ट हो गया है, तो इस केस में जितने भी दूसरे पार्ट हैं वो सभी फीमेल से नीचे है ना. इट मीन्स यहाँ पर फीमेल वाला पार्ट ऊपर है, तो आपको हाइपोगाइनस कैसे पढ़ना है कि फीमेल से सब नीचे है ना, हाइपोगाइनस. देखिए आगे पढ़ते हैं इसको, गाइनोसियम प्रेजेंट एट द हाइएस्ट पोजिशन. सभी दूसरे जो तीनों पार्ट हैं कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम फीमेल से नीचे हैं, तो हाइपोगाइनस. अदर फ्लोरल पार्ट्स आर फाउंड बिलो द गाइनोसियम, ठीक है. इस केस में ओवरी कैसा मिलेगा, सुपीरियर मिलेगा. एग्जाम्पल देखिए, मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल, ये तीनों इसके एग्जाम्पल रहेंगे. पेरिगाइनस में क्या होता है, गाइनोसियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर. गाइनोसियम बिल्कुल सेंटर में होता है. And other floral parts are located at the rim of the thalamus at same level. तो पेरिगाइनस के अंदर पेरी मतलब चारों तरफ, तो यहाँ पर दूसरे पार्ट जो हैं वो फीमेल के चारों तरफ जो थैलेमस की रिम होगी उसके ऊपर मिलेंगे और सेम लेवल पे रहेंगे, बराबर मिलेंगे, तो ना तो ऊपर ना नीचे, तो बोलेंगे ओवरी इज हाफ इन्फीरियर. एग्जाम्पल देखिए, प्लम, रोज एंड पीच. एपिगाइनस में देखिए, एपी मतलब क्या हो गया, ऊपर, तो द मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रोज अपवर्ड एंड एनक्लोजेज द ओवरी कंप्लीटली. इस केस में थैलेमस जो होता है वो ग्रोथ करके पूरे ओवरी को कवर कर लेगा. अब थैलेमस क्या हो गया है, वो गेट फ्यूज्ड विद द ओवरी। अब इस केस में थैलेमस ने जब ओवरी को कवर किया तो थैलेमस ओवरी के साथ फ्यूज हो गया। एंड अदर फ्लोरल पार्ट्स अराइज अबव द ओवरी। अब जितने भी कैलिक्स कोरल एंड्रोसियम है वो ओवरी के ऊपर से अराइज होते हैं, ठीक है। तो इस केस में ओवरी क्या हो गई है, इन्फीरियर होगी, ओवरी नीचे हो गई है। एग्जाम्पल देखिए, गुआवा, कुकुम्बर एंड रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। तो ये सभी एग्जाम्पल जो है एपिगाइनस फ्लावर्स के मिलेंगे। इनके इमेज देखिए, इमेज ए जो है वो हाइपोगाइनस फ्लावर की है। मैंने बताया ना हाइपोगाइनस मतलब हाइपो मतलब नीचे, दूसरे जितने भी सब ओवरी से नीचे हैं। तो देखिए आप यहाँ पर ये जो ये कैलिक्स है, ठीक है, ये कोरोला है और ये जो है एंड्रोशियम है। तो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम तीनों जो है ओवरी से नीचे है। देखिए यहाँ पर ये ओवरी है, सभी इससे नीचे एराइज हो रहे हैं, इसको बोलेंगे हम हाइपोगाइनस। अब यह देखिए इन दोनों के अंदर बी और सी डायग्राम जो है बेसिकली ये पेरिगाइनस के हैं। तो यहाँ पर जितने भी ओवरी के अलावा अदर देन पार्ट है, जैसे ये कैलिक्स हो गया है, ये कोरोला है और ये एंड्रोशियम है, सभी जो हैं ओवरी के बराबर हैं लगभग, है ना। यहाँ देखिए ओवरी के बराबर है और इन्होंने ओवरी को हाफ कप से कवर कर लिया। ऑलराइट, तो इसको बोलते हैं हम हाफ इन्फीरियर। और जो डी इमेज आपके सामने है, ये डी इमेज जो है बेसिकली ये एपिगाइनस का है। तो यहाँ पर थैलेमस ने ओवरी को कम्प्लीटली कवर कर लिया। ऑलराइट, और थैलेमस ओवरी के साथ क्या हो गया, कम्प्लीटली फ्यूज हो गया। और जो तीनों पार्ट हैं, जैसे ये कैलिक्स है, कोरोला है और एंड्रोशियम है, ये तीनों पार्ट ओवरी के ऊपर एराइज होते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं हम एपिगाइनस। इसको आप टेब्यूलेटेड डिफरेंसेस में देखिए, यहाँ पर हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस एंड एपिगाइनस फ्लावर्स के बारे में बताया हुआ है। सबसे पहला है गाइनोशियम का पोजीशन। हाइपोगाइनस में सबसे हाईएस्ट यानी सुपीरियर मिलता है, पेरिगाइनस में बिल्कुल सेंटर में मिलेगा, न ऊपर न नीचे, और यहाँ पर ओवरी सबसे यानी गाइनोशियम सबसे नीचे मिलेगा। दूसरे फ्लोरल पार्ट जो हैं वो ओवरी के नीचे होते हैं, यहाँ पर सेम लेवल पे होते हैं और यहाँ पर ओवरी से ऊपर होते हैं। और ओवरी खुद जो होता है यहाँ पर सुपीरियर, यहाँ पर सेम लेवल पे, न ऊपर न नीचे, तो बोलेंगे हाफ इन्फीरियर। और एपिगाइनस में क्या हो गया है, इन्फीरियर। एग्जाम्पल देखिए, मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल जो है वो एग्जाम्पल हाइपोगाइनस के हैं। पेरिगाइनस में प्लम, रोज एंड पीच आते हैं और एपिगाइनस में गुआवा एंड कुकुम्बर आते हैं। नेक्स्ट देखिए, पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ईच फ्लावर हैज 4 फ्लोरल वर्ल, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। हर एक फ्लावर के ऊपर आपको 4 वर्ल मिलेंगे। तो कैलिक्स जो होता है सबसे आउटसाइड होता है, अगर हम आउटसाइड से काउंट करते हैं तो आउटसाइड से 1 नंबर कैलिक्स रहेगा, फिर आउटसाइड से 2nd नंबर कोरोला होगा, आउटसाइड से ही 3rd नंबर एंड्रोशियम एंड आउटसाइड से ही 4th नंबर गाइनोशियम होता है, ठीक है। कैलिक्स और कोरोला को हम एसेसरी पार्ट कहते हैं, ऑलराइट, और एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम को एसेंशियल पार्ट कहते हैं। हमने इसको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि कैलिक्स, कोरोला के अंदर किसी भी तरह का गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन एंड्रोशियम, गाइनोशियम में गैमेट फॉर्मेशन होते हैं, इसलिए इनको हम एसेंशियल पार्ट कहते हैं। आपके सामने एक फ्लावर का इमेज है, देखिए फ्लावर जहाँ से प्लांट से अटैच हो रहा है उसको हम पेडीसेल कहते हैं, ठीक है ना। पेडीसेल के ऊपर वाला जो पार्ट जहाँ से चारों वर्ल अराइज हो रहा है उसको हम थैलेमस कहते हैं, ऑलराइट, यहाँ से इसको हम थैलेमस बोलेंगे। और फिर थैलेमस से पहला पार्ट जो सबसे बाहर वाला बनेगा वो कैलिक्स, फिर जो कलरफुल है कोरोला, और फिर जो है मेल पार्ट एंड्रोशियम, देन फीमेल पार्ट सबसे सेंटर में गाइनोशियम होता है। इस तरह के कैलिक्स मिलते हैं जो कलर में ग्रीन होते हैं, ये कलरफुल जो है कोरोला होता है। लेकिन जब कैलिक्स, कोरोला दोनों एक जैसे हो गए हैं तो यहाँ पर हम पेरियंथ वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। और ये एंड्रोशियम है जो मेल पार्ट है प्लांट के फ्लावर का, और ये गाइनोशियम जो फीमेल पार्ट है फ्लावर का। फिर देखिए कैलिक्स सबसे आउटर मोस्ट वर्ड होता है और कैलिक्स के हर एक यूनिट को, हर एक मेंबर को सेपल कहते हैं, ध्यान रखना है। सेपल जो होते हैं ग्रीन कलर के होते हैं, लीफ जैसे होते हैं। क्या काम करते हैं सेपल, दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द फ्लावर ड्यूरिंग बड स्टेज। देखिए जब फ्लावर जो है बड कंडीशन में होता है तो आउटसाइड एनवायरमेंटल कंडीशन से फ्लावर के इंटरनल पार्ट को बचाते हैं, ठीक है। और कैलिक्स जो है 2 टाइप में रह सकते हैं। फर्स्ट देखिए गैमोसेपलस, इस कंडीशन में अगर सारे सेपल यूनाइटेड हो गए, अगर सारे के सारे सेपल आपस में जुड़े हुए हैं यूनाइटेड है, इसको गैमोसेपलस कहते हैं। और अगर सारे के सारे सेपल सेपरेट है, फ्री है, ठीक है, उसको हम पॉलीसेपलस कहेंगे। अगर आप देख रहे हैं कि फ्लावर के अंदर सारे सेपल फ्री हैं तो हम बोलेंगे पॉलीसेपलस। और अगर सारे सेपल यूनाइटेड हैं, जुड़े हुए हैं, जॉइंटेड है, देन वी यूज गैमोसेपलस। नेक्स्ट देखिए कोरोला, ये आउटसाइड से सेकेंड वर्ल होता है, ठीक है, और हर एक कोरोला के मेंबर को पेटल कहते हैं। इट मीन्स द सिंगल यूनिट ऑफ कोरोला इज कॉल्ड पेटल। और ये ब्राइट कलर में होते हैं क्योंकि इन्हें जो है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना होता है। देखिए इंसेक्ट जो है जब फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं उसमें कोरोला का मेन रोल होता है। द शेप एंड कलर ऑफ कोरोला वेरी फ्रॉम प्लांट टू प्लांट। आप अलग अलग कलर के, अलग अलग स्ट्रक्चर के फ्लावर्स देखते हैं तो उसमें मेन वेरिएबल जो होता है वो कोरोला होता है। कोरोला मे बी ट्यूबुलर, बेल शेप्ड, फनल शेप्ड और व्हील शेप्ड। कोरोला जो है वो अलग अलग शेप के हो सकते हैं। और कोरोला जो है टू टाइप में अरेंज रह सकते हैं। गैमोपेटलस, इट मीन्स अगर सारे के सारे पेटल यूनाइटेड हैं, अगर सारे पेटल आपस में जुड़े हुए हैं, जॉइंटेड हैं, देन वी यूज गैमोपेटलस। और अगर सारे पेटल फ्री हैं देन वी यूज पॉलीपेटलस, ठीक है। इनका काम क्या होता है पेटल्स का? दे अट्रैक्ट इंसेक्ट ड्यू टू ब्राइट कलर फॉर पॉलिनेशन। देखिए पॉलिनेशन क्या होता है, मेल गैमेट को फीमेल पार्ट तक पहुंचाना, उसको बोलते हैं पॉलिनेशन। तो क्या होता है कि प्लांट के जो मेल गैमेट होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, अपने आप नहीं जा सकते, इनको कोई ना कोई एजेंसी या मीडियम चाहिए। तो इंसेक्ट जो होते हैं वो कलरफुल फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। बेसिकली वो फूड के लिए आते हैं, नेक्टर के लिए आते हैं। तो फ्लावर्स के अंदर जो होता है सुगरी सब्सटेंसेस होता है, सुगर से बना हुआ सब्सटेंस होता है, उसको हम नेक्टर कहते हैं। तो इससे कलर के अट्रैक्शन के लिए आते हैं, फूड के लिए आते हैं, लेकिन ये पोलन ग्रेन को ट्रांसफर कर देते हैं। तो पोलन ग्रेन का यही ट्रांसफर पॉलिनेशन कहलाता है, ध्यान रखिएगा। तो अट्रैक्शन के लिए मेनली पेटल का रोल होता है। नेक्स्ट देखिए एस्टिवेशन, द अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल इन अ फ्लोरल बर्ड विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स ऑफ सेम वर्ल इज कॉल्ड एस्टिवेशन। देखिए सेपल पेटल का अरेंजमेंट जो है वो किस तरह से है, इसको हम एस्टिवेशन कहते हैं। ऑलराइट, इट मींस फ्लावर के अंदर सेपल पेटल का आपस में अरेंजमेंट किस तरह से है, इसको हम एस्टिवेशन कहते हैं, जो 4 टाइप का होता है, वेलवेट, ट्विस्टेड, imbricate and vexillary. First देखिए valvate. In this type, sepals or petals in a whorl just touch one another at the margin. There is no overlapping in them. Example है calotropis. आप again image देखिए, यहाँ पर जो सेपल पेटल्स है उनमें आपस में कोई भी ओवरलैपिंग नहीं हो रहा, आमने सामने है, ठीक है ना, बिल्कुल अपने आमने सामने है, कोई भी ओवरलैपिंग नहीं हो रहा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम वेलवेट कहते हैं। तो ये डायग्राम जो है ये वेलवेट का है, ध्यान रखिएगा, और इस तरह का कैलोट्रोपिस में मिलता है। बी देखिए ट्विस्टेड, इन दिस टाइप मार्जिन ओवरलैप्स टू वन एनदर एंड सो ऑन। अब देखिए यहाँ पर जो इनका मार्जिन है, देखिए ये एक दूसरे पर ओवरलैप हो रहे हैं, तो एक एंड बाहर है, दूसरा एंड अंदर है, ठीक है ना। देखिए ये एंड अगर आउटसाइड है तो ये एंड इनसाइड है, ये एंड इनसाइड है, ये एंड आउटसाइड है, इनसाइड आउटसाइड। तो इस तरह से इनका मार्जिन जो होता है वो आउटसाइड और इनसाइड अल्टरनेटिवली मिलता है, इसको बोलते हैं हम ट्विस्टेड। तो बी इमेज जो है, ध्यान रखिएगा, ये बी इमेज किसका है, ट्विस्टेड का है, जिसका एग्जाम्पल है चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन। नेक्स्ट देखिए इम्ब्रिकेटेड, इफ मार्जिन ऑफ सेपल्स और पेटल्स ओवरलैप वन एनदर बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। यहाँ पर जो ओवरलैपिंग हो रहा है एक फिक्स डायरेक्शन में नहीं हो रहा है। यहाँ देखिए आप, वन इज कम्प्लीटली इनसाइड, ये कम्प्लीटली कैसा है, ये कम्प्लीटली यहाँ पर इनसाइड प्रेजेंट है, और ये जो है कम्प्लीटली कैसा है, आउटसाइड है, ध्यान रखना है, ये कम्प्लीटली आउटसाइड है। ऑलराइट, तो वन इज कम्प्लीटली इनसाइड, वन इज कम्प्लीटली आउटसाइड एंड रेस्ट ऑफ द 3 आर इन ट्विस्टेड मैनर। बाकी 3 जो है देखिए ये आउटसाइड, इनसाइड, आउटसाइड, इनसाइड, आउटसाइड और इनसाइड। तो बाकी 3 जो है वो ट्विस्टेड मैनर में है एंड वन इज कम्प्लीटली इनसाइड एंड अदर वन इज कम्प्लीटली आउटसाइड। इस तरह का अरेंजमेंट जो होता है वो इम्ब्रिकेट कहलाता है। तो सी इमेज जो है वो इम्ब्रिकेट के लिए, ध्यान रखिएगा, और इसके एग्जाम्पल क्या रहेंगे, केसिया एंड गुलमोहर इसके एग्जाम्पल है। फोर्थ देखिए यहाँ पर वैक्सिलरी, इसको पेपिलियोनेसियस भी कहते हैं. इन दिस टाइप द लार्जेस्ट, जिसको स्टैंडर्ड कहते हैं, ओवरलैप द टू लेटरल पेटल्स, इनको विंग कहते हैं. दीज लेटरल पेटल्स ओवरलैप टू स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल कील. तो देखिए दो छोटे वाले आगे होते हैं एंटीरियर, एक बड़ा लार्जेस्ट का होता है पीछे की तरफ होता है, ठीक है ना, ये पीछे मिलता है. ऑल राइट, एग्जाम्पल देखिए पी एंड बीन. इमेज में देखिए ये सबसे लार्जेस्ट है, ठीक है ना, ये सबसे लार्जेस्ट है और इसको क्या बोलते हैं, इसको स्टैंडर्ड बोलते हैं. और ये पोस्टीरियर होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये पोस्टीरियर होता है. ये जो है ये बीच वाले, इनको हम विंग कहते हैं, ध्यान रखिएगा, बीच वाले विंग कहते हैं. और सबसे आगे वाले जो है इनको हम कील कहते हैं. ऑलराइट, ये कील होते हैं और ये एंटीरियर होते हैं, ये एंटीरियर होते हैं. तो इस तरह से इनका अरेंजमेंट को हम वैक्सिलरी या पेपिलियोनेसियस कहते हैं. तो डी इमेज जो है, ध्यान रखिएगा, डी इमेज जो बेसिकली ये वैक्सिलरी या पेपिलियोनेसियस की होती है और इसके एग्जाम्पल जो है वो पीन और बीन होते हैं. नेक्स्ट देखिए एंड्रोएशियम. देखिए एंड्रोएशियम जो होता है फ्लावर का मेल पार्ट होता है और एंड्रोएशियम जो होता है वो स्टेमिन से बने होते हैं. मीन्स अगर हम सिंगल यूनिट की बात करें तो एंड्रोएशियम का सिंगल यूनिट जो होता है वो स्टेमिन्स होते हैं और हर एक स्टेमिन जो होता है वो फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है. और हर एक स्टेमिन के टू पार्ट होते हैं, लाइक एंथर एंड फिलामेंट. तो इस वाइडर पार्ट को हम एंथर कहते हैं, जो फर्टाइल पार्ट होता है, इसके अंदर मेल गैमेट्स बनते हैं और इसको सपोर्ट करने के लिए, इसको थैलेमस से अटैच करने के लिए इसमें फिलामेंट मिलता है, इसको स्टॉक भी कहते हैं, ठीक है. ये एक सिंगल स्टैमिन का इमेज है. तो फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, एंथर हो गया है. एंथर बाइलोब्ड होता है और फर्टाइल पार्ट होता है स्टैमिन का. देखिए इस तरह से ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से. तो ये फर्स्ट लोब हो गई है और ये सेकेंड लोब हो गई है. तो टू लोब होने के कारण इसको बाइलोब्ड कहा जाता है. ऑलराइट, और ये फर्टाइल होता है बिकॉज इसके अंदर पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है. ईच एंथर हैज टू लोब्ड एंड ईच लोब हैज टू चैम्बर. और ईच लोब, अगर हम एक लोब की बात करते हैं तो ईच लोब जो होती है, हर एक लोब के अंदर क्या मिलते हैं, टू चैम्बर मिलते हैं. ये चैम्बर जो होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं. ये चैम्बर जो होते हैं बेसिकली पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं. तो टोटल जो होते हैं वो 4 चैम्बर्स मिलते हैं, ध्यान रखना है ना. टोटल जो होते हैं वो 4 चैम्बर्स मिलते हैं. इन चैम्बर पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस. तो इनके अंदर पोलन ग्रेन्स मीन्स मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, इनके अंदर मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है. ये फर्टाइल पार्ट होते हैं. फिर देखिए फिलामेंट. तो फिलामेंट जो होते हैं ये लॉन्गर होता है, स्लेंडर होता है, पतला होता है. ये वाला पार्ट जो बेसिकली इसको हम फिलामेंट कहते हैं, ठीक है. ये वाला पार्ट क्या होता है, इसको हम फिलामेंट कहते हैं. तो ये लॉन्गर हो गया, पतला मीन्स स्लेंडर हो गया है. इट कनेक्ट्स एंथर टू थैलेमस. तो ये थैलेमस से एराइज होते हैं, तो यहाँ पर जो है थैलेमस से इनका अटैचमेंट होता है. नेक्स्ट देखिए अस्टेराइल और इनफर्टाइल स्टैमिन इज कॉल्ड स्टैमिनोड. स्टैमिनोड का मतलब होता है इनफर्टाइल स्टैमिन, ऐसे स्टैमिन जिनके अंदर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है. स्टैमिन्स मे बी यूनाइटेड विद द अदर मेंबर्स ऑफ फ्लावर. देखिए स्टैमिन जो होते हैं फ्लावर के दूसरे मेंबर मीन्स कोरोला के साथ अटैच हो सकते हैं या पेरियंथ के साथ अटैच हो सकते हैं, ठीक है. तो ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट विद अदर फ्लोरल पार्ट्स और एडेशन दीज आर ऑफ टू टाइप्स. पहला होता है एपिपेटलस. तो इन दिस टाइप स्टैमिन्स आर अटैच्ड टू द पेटल. अगर स्टैमिन पेटल से अटैच है इसको हम एपिपेटलस कहते हैं, जैसे ब्रिंजल है ना, बैंगन में मिलते हैं. और एपिफिलस कब बोलेंगे, जब स्टैमिन का अटैचमेंट पेरियंथ से हो गया है तब एपिफिलस बोलेंगे. एग्जाम्पल रहेगा लिली. तो इस तरह के अटैचमेंट को हम एडेशन कहते हैं, ठीक है. फिर देखिए ऑन द बेसिस ऑफ यूनाइटी ऑफ स्टैमिन्स. स्टैमिन आपस में ही ग्रुप बना रहे, इसको हम कोहेसन कहते हैं, ध्यान रखिएगा. तो 3 टाइप से ये प्रेजेंट हो सकते हैं, मोनोडेल्फस, डाइडेल्फस एंड पॉलीडेल्फस. मोनोडेल्फस मीन्स क्या होता है, जितने भी स्टेमिन्स हैं सभी एक ग्रुप बना रहे हैं, एक बंच या बंडल बना रहे हैं, जैसे चाइना रोज में होता है। डाइडेल्फस मीन्स क्या हो गया, टू बंडल बना रहे हैं, जैसे पी प्लांट में होता है। पी प्लांट के अंदर ध्यान रखिएगा 1+9 का ग्रुप बनता है, ठीक है। पी प्लांट के अंदर 1+9 में ये प्रेजेंट होते हैं। और पॉलीडेल्फस क्या होता है, मतलब मैनी ग्रुप बना रहे हैं, बहुत सारे ग्रुप बना रहे हैं, मोर देन 2 बंडल्स बना रहे हैं, जैसे सिट्रस के अंदर होता है। इन सम प्लांट्स लाइक साल्विया एंड मस्टर्ड द लेंथ ऑफ फिलामेंट इज वेरिएबल। देखिए मस्टर्ड और साल्विया प्लांट के अंदर इनके फिलामेंट की लेंथ अलग अलग होती है, तो कुछ स्टेमिन्स जो होते हैं बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं लेंथ में। नेक्स्ट देखिए गाइनोशियम। गाइनोशियम जो होता है फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और गाइनोशियम का सिंगल यूनिट को हम कार्पल कहते हैं, ठीक है। कार्पल एक या बहुत ज्यादा हो सकते हैं, और हर एक कार्पल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। देखिए स्टिग्मा जो है सबसे ऊपर वाला वाइडर पार्ट होता है, और ये आने वाले पोलन ग्रेन के लिए एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म का काम करता है। पहली बार जब मेल गैमेट आएगा ना तो वो स्टिग्मा के ऊपर आएगा, ठीक है ना। और स्टिग्मा जो है अपने आने वाले पोलन ग्रेन की स्पीसीज को पहचानता भी है, तो वो उसको न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करेगा, जिससे पोलन ग्रेन जो है यहाँ आकर के पोलन ट्यूब बनाए, और पोलन ट्यूब जो है मेल गैमेट्स को ओवरी में बैठे हुए फीमेल एग तक ट्रांसफर करने में हेल्प करती है, ठीक है। फिर देखिए स्टाइल, तो स्टाइल जो है वो स्टिग्मा और ओवरी के बीच वाला पार्ट है, ट्यूब जैसा होता है, इलोंगेटेड हो गया, और इन दोनों मतलब कौन कौन, स्टिग्मा और ओवरी को आपस में जोड़ता है। ओवरी जो है ये एनलार्ज बड़ा पार्ट हो गया, बेसल पार्ट हो गया है। ओवरी के अंदर क्या मिलता है, ओव्यूल्स मिलते हैं, ठीक है ना। ओव्यूल जो होते हैं वो एक या बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे आप मैंगो देखते हैं तो मैंगो के अंदर एक ही सीड होता है, तो इस केस में ओव्यूल कितना हो गया, 1 हो गया। अगर आप वाटरमेलन देखिए तो वहां पर बहुत सारे सीड होते हैं, तो ओव्यूल बहुत सारे हो गए। तो ओवरी के अंदर ओव्यूल जो है 1 और मैनी हो सकते हैं। ओव्यूल्स जो होते हैं अटैच टू द फ्लैटन्ड कोसन लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड प्लेसेंटा। तो ओवरी के इनर साइड में बेसल पार्ट पर प्लेसेंटा मिलता है, जहां से बेसिकली ओव्यूल एराइज होते हैं, ठीक है। फिर देखिए ऑन द बेसिस ऑफ यूनाइटी कार्पल्स आर ऑफ 2 टाइप। कार्पल्स की यूनाइटी के बेस पर हमने इसको 2 टाइप में डिवाइड किया है, फर्स्ट एपोकार्पस फिर सिनकार्पस। एपोकार्पस में क्या होता है, देखिए बहुत सारे कार्पल तो हैं लेकिन सभी फ्री हैं आपस में, कोई इनके अंदर कनेक्शन या अटैचमेंट नहीं है। लोटस और रोज के अंदर हम एपोकार्पस कंडीशन कहते हैं। सिनकार्पस में क्या होता है, बहुत सारे कार्पल है बट फ्यूज हो गए हैं, है ना, संयुक्त फ्यूज हो गए हैं। सिन मतलब संयुक्त, फ्यूज हो गए हैं, इसको हम सिनकार्पस कहते हैं। लाइक मस्टर्ड एंड टोमेटो। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट। ओवरी जो है आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बनाएगा, फ्रूट का फॉर्मेशन करेगा, ध्यान रखना है। और ओव्यूल जो होता है वो क्या बनाएगा, ओव्यूल सीड का फॉर्मेशन करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।